हाउ डिड आई लूज वेट, हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं पीके खत्म कर चुका था और पीके मेरी बॉडी अच्छी थी, 9% बॉडी फैट था, मैं बड़ा फिट था। तो जब मैंने ये कहानी सुनी और हमने तय किया कि हम ये करेंगे, तो डायरेक्टर ने कहा आप तो तैयार हैं, हम शुरू करते हैं इससे और फिर आप वज़न बढ़ा के आप सेकंड पार्ट करिए जिसमें आप बूढ़े हैं। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा करूँगा तो जब आपकी फ़िल्म कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, तब मैं 9700 किलोज़ का रह जाऊँगा और आपका काम तो हो जाएगा, अब मुझे कोई वजह नहीं होगी कम करने की। तो मैंने कहा हम उल्टा करते हैं, पहले हम मोटे का पार्ट करते हैं और फिर आप मुझे 4-5 महीने दीजिए, उसमें मेरे लिए एक गोल होगा कि भाई 5 महीने में करना ही करना है मुझे। शूटिंग रुकी हुई है, सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पूरा यूनिट वेट कर रहा है, तो 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया। इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊँ क्या है, वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूँगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूँगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज़ नंबर वन, 50% इज़ डाइट, 25% इज़ वर्कआउट एंड 25% इज़ रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं, कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है, मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप 2000 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वज़न वहीं का वहीं रहेगा, बैंक अकाउंट है ना। 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वज़न में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं, तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। अगर आपने ये घाटा 1000 कैलोरी का किया, इसका मतलब ये कि 2000 आप खर्च कर रहे हैं, आप 7 किलोमीटर चलिए, तो 500 और खर्च हो गया। तो मतलब आपने खर्च किया 2500 और खाया आपने 1500, तो घाटा हुआ 1000 कैलोरी का एक दिन में। तो मतलब 7 दिन में 7000 का घाटा हुआ, इसका मतलब 7 दिन में आपने 1 पाउंड नहीं 2 पाउंड कम किया। ये उसके पीछे साइंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलोरी जो है, अगर आप 1500 खा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा फैट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, उसमें फाइबर की भी ज़रूरत है, सोडियम की भी ज़रूरत है। तो बैलेंस डाइट वो होता है, आमतौर पर हम मानते हैं कि आप कैलोरी का 20% आप फैट से लो, मतलब तेल आप लो, ऐसे कुछ लोग बिल्कुल तेल नहीं खाते, तो तेल भी फैट भी ज़रूरी है, अच्छा फैट, हेल्दी फैट, 20% ऑफ कैलोरीज हेल्दी फैट, 30% ऑफ कैलोरीज प्रोटीन एंड 50% ऑफ कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वज़न बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, आपके ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये होता है बैलेंस डाइट, ऑल द थिंग्स आर देयर इन बैलेंस एंड यू आर हिटिंग, आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हो। आपको वज़न बढ़ाना है तो आप उल्टा करो, 2000 खर्चा कर रहे हो, आप 3000 खाओ तो आपका वज़न बढ़ेगा। तो ये होता है हेल्दी डाइट। अब जब मैं लोगों को समझाता हूँ, उनको लगता है अच्छा ये तो बहुत लंबा चक्कर बता रहा है हमको यार, कोई जल्दी कुछ नहीं है, कोई दवा खा लूँ मैं, पिल खा लूँ, कोई नहीं है।